वेलकम टू साइंस गीगा। इस वीडियो में हम न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं एंड दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर एमएससी स्टूडेंट्स, बीएससी स्टूडेंट्स एंड दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सीएसआईआर, नेट फिजिक्स एंड गेट फिजिक्स। तो हम बेसिक टॉपिक से ही स्टार्ट करेंगे आज, देन फर्दर हम इन न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज एंड जो भी हमारे टॉपिक्स कवर होंगे सीएसआईआर, नेट, गेट में, वो हम फर्दर वीडियोज में कवर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द न्यूक्लियस। हमें पता है कि पहले ये माना गया था कि जो एटम है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। देन थ्योरीज आई कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है जो कि सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और क्योंकि न्यूक्लियस का बहुत ही ज़्यादा स्मॉल साइज है, ठीक है, ये हमें पता है कि न्यूक्लियस जो है बहुत ही ज़्यादा स्मॉल साइज का होता है और इसकी वॉल्यूम जो होती है वो होती है 10^-15 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द एटम। ठीक है, अगर एटम की वॉल्यूम हम वी कंसिडर कर रहे हैं तो न्यूक्लियस की वॉल्यूम कितनी होगी, 10^-15 ऑफ वी, ठीक है, विच इज वेरी स्मॉल। तो अगर हम वॉल्यूम देखें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस की वॉल्यूम कितनी होगी, 10^-45 मीटर क्यूब, विच इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, तो इतना कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस का, उसकी वॉल्यूम इतनी ज्यादा कम होती है कि 10^-45 मीटर क्यूब। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि न्यूक्लियस का साइज बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। देन हमें एक और इसकी प्रॉपर्टी पता है कि जो न्यूक्लियस है उसका ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव रहेगा, कि अगर हमारे पास यहाँ पे एक न्यूक्लियस है तो इसका जो चार्ज है वो पॉजिटिव रहेगा, इस पर कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। ठीक है, और जो न्यूक्लियस है उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास दो हाइपोथीसिस आई थी। ठीक है, और दीज हाइपोथीसिस आर, फर्स्ट वन इज द प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथीसिस, ये हमारे पास फर्स्ट हाइपोथीसिस थी। देन इस ये जो हाइपोथीसिस थी इसने न्यूक्लियर जो प्रॉपर्टीज थी उनको एक्सप्लेन नहीं करा, तो ये फेल हो गई थी। उसके बाद हमारे पास आई प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथीसिस, जो कि अब तक चली आ रही है और वो सक्सेसफुल भी है। ठीक है, हम वन बाय वन ये दोनों हाइपोथीसिस को देखेंगे। फर्स्ट जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथीसिस है, इसके अकॉर्डिंग जो हमारा न्यूक्लियस है इट कंसिस्ट्स ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अज्यूम किया गया था कि जो हमारा न्यूक्लियस है उसमें एक तो हमारे पास प्रोटॉन्स होंगे और एक हमारे पास होंगे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये अज्यूम किया गया था। एंड हमें पता है कि जो प्रोटॉन का मास होता है वो हाइड्रोजन एटम के मास के ही बराबर होता है। ठीक है, ये सारी कंसिडरेशन हमें देखनी पड़ेंगी क्योंकि ये जो भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथीसिस है इसे हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, देन जो हमारा मास ऑफ न्यूक्लियस होता है, मास ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू ए, दैट इज मास नंबर। हमें पता है कि अगर कोई एलिमेंट है एक्स, उसका हम एटॉमिक नंबर जेड कहते हैं और मास नंबर है ए। ठीक है, तो ये जो मास नंबर ए होता है ये हमारे न्यूक्लियस का ही मास होगा। ठीक है, और इस हाइपोथेसिस में ये अज्यूम किया गया था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू ए। ठीक है, ये जो ए है ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, कि जो हमारा न्यूक्लियस है उसमें ए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, ये अज्यूम किया गया था, और इसकी वजह से जो हमारा चार्ज होगा न्यूक्लियस का वो क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, इन प्रोटॉन्स की वजह से चार्ज हमारा ए हो जाएगा, जेड नहीं होगा। ठीक है, हम अब ये अज्यूम करते हैं कि जो जो न्यूक्लियस का चार्ज होता है वो जेड होता है, बट इस हाइपोथीसिस के अकॉर्डिंग जो न्यूक्लियस का चार्ज होगा बाय दीज प्रोटॉन्स इट इज इक्वल टू ए। ठीक है, और ये जो जेड है वो ए बाय टू से कम होगा या अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ए होगा। देन एक अजम्पशन की गई थी कि इन एडिशन टू दीज प्रोटॉन्स न्यूक्लियॉन्स में ए माइनस जेड इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, दैट इज कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू ए तो
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अज्यूम किए गए कि ए माइनस जेड होंगे इनसाइड द न्यूक्लियस. जो हमारा न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन्स भी होंगे विच आर इक्वल टू ए, और ए माइनस जेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे. ये इस हाइपोथीसिस के अकॉर्डिंग था. तो हमारे पास, हमें पता है कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. तो इस हाइपोथीसिस के अकॉर्डिंग ए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, ए माइनस जेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और हमारे पास जेड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे जो कि न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व कर रहे होंगे इस हाइपोथीसिस के अकॉर्डिंग. ठीक है, ये सारी चीजें हमें देखने की, ये जो सारी चीजें यहाँ तक हमने की है ये है कि इस हाइपोथीसिस के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू ए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू ए माइनस जेड, एंड एटम में कुछ जेड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे. अब ये हाइपोथीसिस क्यों कंसिडर करी गई थी, ठीक है, वो हम देख लेते हैं. हमें पता है एक बीटा डीके होता है, ठीक है, एक रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस है ये, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं. ठीक है, और ये अज्यूम किया गया था कि कोई भी अगर न्यूक्लियस बीटा पार्टिकल्स एमिट कर रहा है तो वो न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं. ठीक है, ये अजम्पशन की गई थी, और इस अजम्पशन के अकॉर्डिंग ये थ्योरी जो थी, ये हाइपोथीसिस जो थी वो सही लग रही थी. देन हमारे पास सेकेंड चीज है कि न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो जेड ई होता है. ये हमें पता है कि ये अब भी हम यूज करते हैं कि चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू जेड इंटू ई. ठीक है, जेड इज द एटॉमिक नंबर. तो ये भी यहाँ से प्रूव हो रहा था. कैसे? चार्ज ऑफ प्रोटॉन प्लस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इस हाइपोथीसिस में क्या अज्यूम किया है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो दोनों के चार्जेस को मिलाकर हमारे पास चार्ज आएगा न्यूक्लियस का. तो देख लेते हैं कि हमारे पास क्योंकि ए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, प्रोटॉन्स का चार्ज जो है वो है ई, और हमारे पास ए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, ए इंटू ई, और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन चार्ज है वो है हमारे पास माइनस ई, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ए माइनस जेड, एंड टोटल नंबर ऑफ चार्ज जो है, टोटल चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो कितना हो जाएगा, माइनस ए ई प्लस जेड ई. तो ये जो ए ई है दैट इज चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स, एंड ये जो है चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, इसे जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो न्यूक्लियर चार्ज है वो जेड ई ही आएगा. ठीक है, तो इसकी वजह से भी हमें ये हाइपोथीसिस ठीक लगी. देन हमारे पास थर्ड चीज है कि न्यूट्रल एटम, कि हमारा एटम जो है वो न्यूट्रल होता है, तो ये चीज भी प्रूफ हुई. जैसे हमें पता है कि एटम पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, चार्ज ऑन न्यूक्लियस प्लस चार्ज ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे देखे थे कि हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होने के साथ साथ न्यूक्लियस के बाहर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ठीक है, और ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जेड होंगे. ठीक है, तो इसकी वजह से हमारे पास एटम का चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज ऑन न्यूक्लियस प्लस द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना है वो हमने देख लिया, जेड इंटू ई, और ये जो बाहर इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वजह से कितना चार्ज होएगा, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस ई चार्ज होता है, तो जेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कितना हो जाएगा, माइनस जेड ई. तो इन दोनों को हम जब ऐड करेंगे, ठीक है, दैट इज चार्ज ऑन न्यूक्लियस प्लस चार्ज ऑन चार्ज ड्यू टू एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, इट विल बी इक्वल टू जीरो. तो इन ये जो हमने तीन चीजें यहाँ पे देखी हैं इनकी वजह से हमें ये हाइपोथीसिस ठीक लगी थी. देन अब हम देखेंगे कि ये हाइपोथीसिस फेल क्यों हुई, हमें कैसे पता चला कि ये जो हाइपोथीसिस है ये ठीक नहीं है, ठीक है, ये वर्क नहीं करेगी, ये हमें कैसे पता लगा. ठीक है, तो वो अब हम देखेंगे. पॉइंट जो है वो हम कैसे पता लगा, हमें हमने कंसिडर किया स्पिन एंड स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, हमने स्पिन कंसिडर की किसी न्यूक्लियस की, और ये जो हमारी हाइपोथीसिस है इसके अकॉर्डिंग उसे हमने प्रूव करने की कोशिश की अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स. ठीक है,
हमें हमने एक एग्जाम्पल लिया कि नाइट्रोजन ले लेते हैं, ठीक है, जो कि एक ऑड ऑड न्यूक्लियस है, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू 7 एंड जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हम देखेंगे विच विल बी इक्वल टू ए माइनस जेड इट इज इक्वल टू 7, ठीक है, सॉरी इस हाइपोथीसिस के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो हमारे पास 14 हो जाएंगे, ठीक है। ये एक हमें पता है कि अब ये कंसिडर किया जाता है कि एक ऑड ऑड न्यूक्लियस होता है, क्योंकि जो अब हमारे पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथीसिस जो चलती है उसके अकॉर्डिंग ये एक ऑड ऑड न्यूक्लियस है। बट इस हाइपोथीसिस के अकॉर्डिंग, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथीसिस के अकॉर्डिंग, इस न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं दोज आर इक्वल टू 14, ठीक है, विच इज इवन। तो इन प्रोटॉन्स की वजह से हमें पता है कि एक प्रोटॉन की स्पिन कितनी होगी 1/2, ठीक है, तो 14 प्रोटॉन्स की वजह से स्पिन कितनी होगी 7, 14/2। तो ये एक इंटीजर वैल्यू है, ठीक है, और इस हाइपोथीसिस के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू ए माइनस जेड दैट इज 7, जो कि एक ऑड नंबर है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है 1/2, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन क्या हो जाएगी 7/2, ठीक है। अब ये 7/2 और 7, ठीक है, 7/2 इज हाफ इंटीजर वैल्यू, तो अगर हम टोटल स्पिन फाइंड करेंगे इन दोनों को ऐड करके तो क्या हो जाएगी 7/2 + 7 विच इज इक्वल टू 7 + 14/2 विच इज इक्वल टू 21/2, और ये एक हाफ इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। बट एक्सपेरिमेंटली ये जो हमारा नाइट्रोजन है इसकी इंटीजर स्पिन होती है, ठीक है, जो स्पिन होती है न्यूक्लियस की नाइट्रोजन की वो है इंटीग्रल स्पिन होती है अकॉर्डिंग टू आ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। तो यहाँ से ये जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथीसिस है वो फेल हो जाती है, क्योंकि इस हाइपोथीसिस के अकॉर्डिंग जो हमारी नाइट्रोजन की स्पिन है वो है हाफ इंटीग्रल वैल्यू, बट अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स जो हमारी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग जो हमारी स्पिन है नाइट्रोजन की वो है हाफ इंटीग्रल वैल्यू विच इज 21/2, ठीक है। इसकी वजह से ये जो हमारी हाइपोथीसिस है ये फेल हो जाती है। देन सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। अब बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, कोई भी पार्टिकल को कोई न्यूक्लियस जो है वो कितना टाइटली पकड़ के रख रहा है या फिर कितनी एनर्जी चाहिए उस पार्टिकल को बाहर निकालने के लिए, वो है हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमें पता है कि लेप्टॉन्स हैं, और हमें पता है कि जो लेप्टॉन्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस में क्या होता है कि जो भी न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स होंगे वो बहुत ही ज़्यादा टाइटली बाउंड होंगे, ठीक है। और अगर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं तो उनकी एक बाइंडिंग एनर्जी भी होगी, ठीक है, विच इज़ गिवन बाय -ZE² / R, जहाँ पे R इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस एंड इट इज गिवन बाय R इक्वल टू R0 a raised to power 1/3, वेयर R0 इज इक्वल टू 1.2 फर्मी, और वी कैन से दैट 1.2 × 10⁻¹⁵ मीटर्स, एंड A इज द मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस। और ये जो नेगेटिव साइन है ये शो करता है कि ये एक बाउंड सिस्टम होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो न्यूक्लियस है उसके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन जो वो बाउंड होंगे, ठीक है, उसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव साइन हो आ रहा है अगर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। देन हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में एच कट सी के साथ मल्टीप्लाई किया, एच कट सी के साथ डिवाइड किया, एंड वी नो दैट E² / HC इज इक्वल टू फाइन स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंट विच इज इक्वल टू 1/37। ये हमने अपनी कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए किया है। तो ये जो E² / HC है इसकी वैल्यू हम लिख लेंगे 1/137 और माइनस जेड एज इट इज है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एच कट की वैल्यू पुट करेंगे विच इज 1.055 × 10⁻¹⁴ जूल पर सेकेंड, एंड सी की वैल्यू 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड विच इज द स्पीड ऑफ लाइट अपॉन आर विच इज द
रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। देन इन सारी चीजों को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास e की वैल्यू आ गई 1.2 इंटू जेड अपॉन ए रेस्ट पर 1/3 जूल्स। तो अब हम एक एग्जांपल ले लेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर ए की वैल्यू है 125 एंड जेड की वैल्यू है 62 की, मतलब हमने एक ऐसा एक न्यूक्लियस लिया जिसका जेड नंबर है 62 एंड जो मास नंबर है वो है 125। तो यहाँ से जब हम ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे इस फॉर्मूला में, ये जो हमारे पास फॉर्मूला आया है यहाँ पे अगर हम a इक्वल टू 125 और z इक्वल टू 62 पुट करेंगे तो हमारे पास ये जो e बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू है वो आ जाएगी -15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। माइनस क्यों आया है, क्योंकि हमें पता है कि एक बाउंड सिस्टम है, इस वजह से हमारे पास नेगेटिव साइन आएगा। अब इस एनर्जी के अकॉर्डिंग अगर हम अपने इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड करें, ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी है, तो इस एनर्जी के अकॉर्डिंग अगर हम हमारे इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड करें तो हमारे पास क्या आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच कट अपॉन पी होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ, सी के साथ मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया हमारे पास एच कट सी बाय ई आ जाएगा, क्योंकि ई की वैल्यू क्या होती है पी सी, ठीक है। यहाँ पे जब हम एच कट की वैल्यू पुट करेंगे दैट इज 1.055 इंटू 10 रेस्ट पर -34 जूल पर सेकंड, और सी की वैल्यू पुट करेंगे दैट इज 3 इंटू 10 रेस्ट पर 8 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे ई की वैल्यू 15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पुट करेंगे तो जो वेवलेंथ आएगी इलेक्ट्रॉन की वो क्या होगी 13 फर्मी, दैट इज 13 इंटू 10 रेस टू -15 मीटर, जो कि न्यूक्लियस के साइज से बहुत ही ज़्यादा बड़ी होगी, ठीक है। हमें पता है कि न्यूक्लियस का साइज जो है बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है, उसका डायमीटर जो है वो 10 रेस टू -14 मीटर की रेंज में होगा, तो उसकी वजह से अगर हम कंपेयर करें इस डी ब्रोगली वेवलेंथ को तो ये वेवलेंथ तो हमारे न्यूक्लियस के साइज से ज़्यादा बड़ी है। तो ये कैसे हो सकता है कि एक जो पार्टिकल किसी न्यूक्लियस के अंदर हो उस न्यूक्लियस के डायमीटर से बड़ा उस पार्टिकल का साइज हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी कॉन्सेप्ट था इससे भी हमें ये पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। देन थर्ड हमारे पास चीज़ आई न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट है दैट इज बोर मैग्नेटॉन, ठीक है, बोर मैग्नेटॉन होगा ये, इसकी वैल्यू होगी ई एच कट अपॉन 2 ME, जहाँ पे एम ई है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई है चार्ज, ठीक है। और जो प्रोटॉन का मैग्नेटिक मोमेंट है वो है ई एच कट अपॉन 2 MP, MP इज द मास ऑफ प्रोटॉन विच इज, एंड ये जो MN है इसे हम न्यूक्लियर मैग्नेटॉन कहते हैं, ठीक है। और अगर इन दोनों का रेशियो हम देखें तो हमारे पास 1850 इनका रेशियो आएगा, ठीक है। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा न्यूक्लियस का वो बोर मैग्नेटॉन का ही उनका ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। बट एक्सपेरिमेंटली हमारे पास जो मैग्नेटिक मोमेंट है न्यूक्लियस का इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ MN, दैट इज इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटॉन, ठीक है। तो यहाँ से भी हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते। देन हमारे पास है बीटा डीके, ठीक है। बीटा डीके हमें पता है कि थ्री बॉडी प्रोसेस है, कि हमें पता है कि अब बीटा डीके अगर हम कंसिडर करें कि प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो इट विल बी इक्वल टू, जो प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा, हमारे पास एक्स्ट्रा पार्टिकल्स भी एमिट होंगे दैट इज अ पॉजिट्रॉन एंड अ न्यूट्रिनो, तो ये कह सकते हैं कि ये एक थ्री बॉडी प्रोसेस है। या फिर अगर न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है प्रोटॉन में, ठीक है, तो भी हमारे पास तीन पार्टिकल्स आ रहे हैं, ठीक है, बाहर, तो ये कहेंगे कि ये है एक बीटा पॉजिटिव डीके और ये था हमारे पास बीटा नेगेटिव डीके। तो ये बीटा डीके अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये पता चल रहा है कि एक थ्री बॉडी प्रोसेस है, ठीक है। बट अगर इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथीसिस तो हमारे पास एक लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है,
ठीक है, जबकि अगर हम बीटा डीके में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो वो एक कंटिन्यूस जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, यहाँ पे जो एनर्जी है बीटा डीके में वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, बट अकॉर्डिंग टू प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस हमारे पास एक लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सभी इलेक्ट्रॉन्स की सेम एनर्जी होती है, बट बीटा डीके में हमें ये मिलता है कि जो बीटा पार्टिकल की जो एनर्जी है डिफरेंट पॉइंट्स पे हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट होती है, मतलब वो वेरी करती रहती है, ठीक है। तो बीटा पार्टिकल्स आर अकम्पनीड बाय अ थर्ड पार्टिकल, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास बीटा डीके में इस तरीके का ग्राफ मिलता है, बट अकॉर्डिंग टू प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस ये कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस में जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है वो सभी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम होगी, हमारे पास एक लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा, ठीक है, बट बीटा डीके में हमारे पास इस तरीके का ग्राफ आता है जिसमें जो एनर्जी है वो वेरी करती रहती है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी जो इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस वाला कॉन्सेप्ट था वो फेल होता है। आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स समझ में आए हो। आप कोई भी डाउट हो कमेंट कर सकते हो, आई विल श्योरली रिप्लाई विद इन 24 आवर्स, ओके। देन हम देखते हैं सेकेंड हाइपोथेसिस विच इज प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। अब इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो हमारा न्यूक्लियस है उसमें हमारे पास एक जो प्रोटॉन होते हैं प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन्स होंगे, ठीक है, ये हमारा एक न्यूक्लियस है जिसमें हमारे पास प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हमारे पास प्रोटॉन्स थे और इलेक्ट्रॉन्स थे जो कि फेल हो गया। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं और इन दोनों को मिलाकर हम न्यूक्लियॉन कहते हैं, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स आर इक्वल टू न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। और ये न्यूट्रॉन्स जो है वो 1932 में चैडविक ने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किए थे, ठीक है, और ये पाया गया था कि जो न्यूट्रॉन का मास है वो प्रोटॉन के मास से स्लाइटली ज्यादा है, ठीक है, इतना भी ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है प्रोटॉन के मास से, मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू प्रोटॉन होगा बट थोड़ा सा ज्यादा होगा प्रोटॉन के मास से, ठीक है। और ये जो न्यूट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे, इन पे कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। और अगर हम अज्यूम करें कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर है जेड, मास नंबर है ए, ठीक है, तो इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू जेड एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर इक्वल टू ए माइनस जेड, ठीक है। ये हाइपोथेसिस हमें ये कहती है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास है जेड है, दैट इज एटॉमिक नंबर, और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो है ए माइनस जेड। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस में अज्यूम किया गया था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है ए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ए माइनस जेड, ठीक है, बट यहाँ पे अज्यूम किया गया है कि जेड जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और ए माइनस जेड है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और ये न्यूट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इन पे कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। और ये जो हमारे पास हाइपोथीसिस है इसका सक्सेस हमें कैसे मिलता है, ठीक है, कि कैसे हमें पता चला कि ये सक्सेसफुल हुई ये हाइपोथीसिस, वो हम अब वन बाय वन देखेंगे, ठीक है। हम फर्स्ट चीज देखते हैं कि स्पिन, ठीक है, अगर हम प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की बात करें वहां पे जो नाइट्रोजन था इसकी हाफ इंटीग्रल स्पिन आती है अकॉर्डिंग टू प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस, बट एक्सपेरिमेंटली हमारे पास इंटीग्रल स्पिन है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस क्या कहती है। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू 7, तो एक प्रोटॉन की स्पिन है 1/2, तो 7 प्रोटॉन्स की स्पिन कितनी हो जाएगी 7/2। न्यूट्रॉन्स है हमारे पास 7, ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे हमारे पास 7, ठीक है। यहाँ पे इस थ्योरी में हम कहते हैं कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, बट इस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के बाहर हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होती है 1/2, तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन कितनी हो जाएगी 7/2, तो टोटल स्पिन अगर हम न्यूक्लियस की देखें तो कितनी होगी,
टोटल स्पिन ऑफ 7 प्रोटॉन्स एंड टोटल स्पिन ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रल स्पिन आ गई नाइट्रोजन की। तो इस स्पिन वाले कॉन्सेप्ट से हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस है बिल्कुल सही है, जबकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस में हाफ इंटीग्रल स्पिन आ रही थी। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ मैच कर रही है। देन हम देखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट। अब क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है हमारे न्यूक्लियस के अंदर, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो बोर मैग्नेटॉन का ऑर्डर हो। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि जो हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट है वो न्यूक्लियर मैग्नेटॉन के बराबर ही होगा, जो कि हमारे पास प्रोटॉन का मैग्नेटिक मोमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ से भी हमारे पास एक प्लस पॉइंट आ गया कि मैग्नेटिक मोमेंट वाली चीज भी यहाँ से प्रूफ हो गई। देन हमारे पास है फाइनाइट साइज ऑफ न्यूक्लियस। अब क्योंकि हमने देखा था कि जो न्यूट्रॉन का मास है वो स्लाइटली प्रोटॉन के मास से ज्यादा है, इतना भी ज्यादा नहीं है कि वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि जो न्यूट्रॉन का मास है वो प्रोटॉन के मास के ही थोड़ा मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। ठीक है, दोनों का मास, तो क्योंकि अब अगर प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है और प्रोटॉन के मास के इक्वल ही न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन भी तो न्यूक्लियस में एग्जिस्ट कर सकता है जब प्रोटॉन एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि दोनों का मास सेम है तो मतलब दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट इलेक्ट्रॉन के केस में क्या था कि इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ थी वो बहुत ही ज्यादा लार्ज थी एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर साइज। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस का फाइनाइट साइज है और यहाँ से हमारे पास जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है इनसाइड दिस स्मॉल फाइनाइट न्यूक्लियस साइज। ठीक है, देन वेव मैकेनिकल कंसिडरेशन देखते हैं। हमें पता है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच, दैट इज अ प्लैंक कॉन्स्टेंट। ठीक है, डेल्टा एक्स इज द अनसर्टेनिटी इन द पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड डेल्टा पी इज द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम। तो यहाँ पे एच की वैल्यू पुट करी, देन एक्स इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस विच इज इक्वल टू आर नॉट ए रेज टू पावर 1/3। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज किया। तो जो हमारे पास डेल्टा एक्स जो कि रेडियस है वो हमारे पास इस ऑर्डर की आई, तो यहाँ से हम जो मोमेंटम है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूला से हमारे पास मोमेंटम की वैल्यू आ गई। देन एनर्जी जो है हमारे न्यूक्लियस की वो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज रिलेटिविस्टिक एनर्जी हम यहाँ पे यूज करेंगे, दैट इज पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी रेज टू पावर 4। ये सारी वैल्यूज ई में पुट करी तो हमारे पास जो एनर्जी है न्यूट्रॉन की वो आ जाएगी 945 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि थोड़ी सी ज्यादा है फ्रॉम द रेस्ट मास ऑफ एनर्जी ऑफ प्रोटॉन विच इज 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो प्रोटॉन है उसकी एनर्जी है, रेस्ट मास एनर्जी है 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो न्यूट्रॉन है उसकी एनर्जी है 945 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर इतने रेंज का प्रोटॉन हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, उससे थोड़ी ही ज़्यादा हमारे पास एनर्जी है हमारे न्यूट्रॉन की, तो ये यहाँ से भी प्रूव होगा कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से भी हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि इनकी बहुत ही ज्यादा एनर्जी नहीं होगी, बहुत ही ज्यादा इनकी वेवलेंथ नहीं होगी। ठीक है, उनका साइज सॉरी ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूट्रॉन है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस। देन हम देखते हैं आइसोटोपिक मास। अगर हम आइसोटोपिक मास की बात करें, हमें पता है कि आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज अगर कोई न्यूक्लियर अगर कोई हमारे पास एक एलिमेंट है दैट इज जिसका एटॉमिक नंबर जेड है, मास नंबर ए है। ठीक है, तो एक और हमारे पास एलिमेंट होगा जिसका हमारे पास यही एलिमेंट हम कंसिडर करेंगे जिसका एटॉमिक मास हमारा सेम है, सॉरी एटॉमिक नंबर हमारा सेम है, बट जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट हो सकता है। कि अगर एक हमारे पास एक एलिमेंट है X जिसका एटॉमिक नंबर है Z, मास नंबर है A, तो सेम जो एलिमेंट है उसका हमारे पास एक डिफरेंट मास नंबर का भी हमारे पास एक एलिमेंट प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों आइसोटोप्स होंगे। ठीक है,
ये जो है ये आइसोटोप है इस एलिमेंट का, ठीक है। आइसोटोप मासेस वाली चीज भी यहाँ से, अगर हम ये ज्यूम करते हैं कि न्यूट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, तो यहाँ से ये प्रूफ होता है कि जो न्यू जो आइसोटोपिक मासेस हैं वो भी एग्जिस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम अज्यूम करें 6C12, 6C13, 6C14, ठीक है। तो जब हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास यहाँ पे सेम है, ठीक है, दैट इज जेड इक्वल टू 6, तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई ऐसी चीज है जो कि डिफरेंट हो रही है, मतलब कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास यहाँ पे वेरी करेंगे, ठीक है। अगर हम प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन वाली हाइपोथेसिस लगाएं, उसके अकॉर्डिंग तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही चेंज हो रहे हैं, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, कि एक ही एलिमेंट, अगर डिफरेंट एक ही एलिमेंट के बहुत सारे प्रोटॉन्स नंबर तो नहीं हो सकते, ठीक है। दैट इज उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो वेरी नहीं कर सकते, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहने चाहिए उसी एलिमेंट में। अगर हम कार्बन अज्यूम कर रहे हैं तो कार्बन में 6 ही प्रोटॉन्स होंगे, ऐसा नहीं होगा कि डिफरेंट डिफरेंट नंबर के प्रोटॉन्स आ जाएंगे। तो वहां से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथीसिस फेल हो रही थी कि आइसोटोपिक मासेस नहीं प्रूव कर पा रहा था, बट यहाँ से हमारे पास आइसोटोपिक मासेस प्रूव हो रहे हैं कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, क्योंकि उनका कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है, ना पॉजिटिवली चार्ज है ना नेगेटिवली चार्ज है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन नंबर वेरी कर सकता है, ठीक है, क्योंकि उससे ऑन होल जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो सेम ही रहेगा। अगर पहले 6E था चार्ज, तो अब भी 6E ही रहेगा, ठीक है, बस यहाँ पे जो न्यूट्रॉन नंबर है वो चेंज होता जाएगा। जैसे यहाँ पे न्यूट्रॉन नंबर हमारे पास 6 है, यहाँ पे न्यूट्रॉन नंबर 7 हो जाएगा, यहाँ पे न्यूट्रॉन नंबर हमारे पास 8 हो जाएगा। तो आइसोटोपिक मासे जो है वो यहाँ से हमारे पास प्रूफ हो रहे थे। देन हम देखते हैं कि बीटा डी के, ठीक है, ये भी प्रॉब्लम आई थी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथीसिस में। हमें पता है कि जो बीटा नेगेटिव अगर हम कंसिडर करें तो वो थ्री बॉडी प्रोसेस है, जहाँ पे न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, हमारे पास दो और पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रीनो, ठीक है, ये थ्री बॉडी प्रोसेस है। यहाँ पे बीटा पॉजिटिव कंसिडर करें तो प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, और एक पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो एमिट हो रहा है। तो यहाँ से जो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथीसिस थी, ये थ्री बॉडी प्रोसेस प्रूव हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ से भी हमें मिला कि जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथीसिस है वो बहुत बिल्कुल हमारे जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हैं उससे मैच कर रही है। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथीसिस है वो फेल हो गई, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथीसिस बिल्कुल पास हो गई, सक्सेसफुल हो गई, ठीक है, न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने में। तो अब तक हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथीसिस यूज करते हैं, दैट इज कि जो हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होंगे एंड न्यूट्रॉन्स होंगे, और इन दोनों को कलेक्टिवली हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, ये हाइपोथेसिस हम अब भी यूज करते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो, कोई भी डाउट हो यू कैन कमेंट, आई विल श्योरली रिप्लाई यू विद इन 24 आवर्स। प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।